32 किलोमीटर ये। हेलो माय लवली फूडी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। फिर हाजिर है शैलेश लेके एक नया वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि जो आपने मेरे वीडियोस को इतना बेशुमार प्यार दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए कुछ महीनों में। तो दूसरी बात, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वीडियोस को रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण जो मेरा रिस्ट फ्रैक्चर हो गया, उसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे होपफुली मैं चाहता हूँ कि मैं वीकली एटलीस्ट आपको एक वीडियो दे सकूँ। तो तीसरी बात, जो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो मैंने इस पर गिव अवे का प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, अब मैंने वो 20,000 पे प्लान सेट किया हुआ है। जैसे हमारे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं कुछ गिव अवे करना चाहूँगा जो कि जम्मू कश्मीर से ही कुछ रिलेटेड रहेगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट रहेगी, थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट रहेगी। बेसिकली आज मैं एक रिचुअल कवर करने जा रहा हूँ। श्री कालीवीर जी का आज एक भंडारा है, एक लंगर है। जो कालीवीर जी हैं, ये एक कुल देवता माने जाते हैं और इनकी जम्मू में बड़ी मान्यता है। तो इसमें कुछ अमेजिंग रिचुअल्स रहेंगे जिसके मेन मेन अट्रैक्शंस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसमें कुछ पकवान बनेंगे, डिशेज़ बनेंगी, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि क्या क्या बनने को है वहाँ पर। तो और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आज की वीडियो में कुछ भी क्वालिटी वाइज कुछ भी कोई कमी आई तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ और टूटा हुआ हाथ है, तो शायद क्वालिटी वाइज थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो फिर चलिए चलते। तो दोस्तों, पहुँच गया मैं उस लोकेशन पर। ये जम्मू के रूपनगर लोकेशन पर लोकेटेड ये मंदिर है, जहाँ पर ये कालीवीर जी का स्थान है। ये वो मंदिर रहा जहाँ पर मुझे आज बुलाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं अब। तो दोस्तों, ये वो बकरा है जिसे छली भी कहते हैं डोगरी में। अभी इसको पवित्र किया जा रहा है, इसकी पूजा की जाएगी अभी, तो उसके बाद की इसकी बलि दी जाएगी इस बकरे की। थोड़ी देर जी प्रार्थना कर रहे हैं कालीवीर जी से कि इस छल्ली को एक्सेप्ट कर लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। देखिए, जैसे अभी इसने शिवर किया बकरे ने, यानी कि कालीवीर जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और प्रेयर भी एक्सेप्ट हो चुकी है। तो अब ये बलि के लिए तैयार है। ये देखिए, तैयारियाँ हो रही है इस टाइम पर। अब टेंट वगैरह लग रहे हैं और देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं। पीछे कहीं पेड़ रहा, छोटे खोलना है, छोटे खोलना। ये है अंबल। दोस्तों, बताना चाहता हूँ, अंबल जो है ये एक ट्रेडिशनल हमारा फूड है जम्मू का, जो टेस्ट में खट्टा और थोड़ा मीठा होता है। और इसके अलावा क्या बनाया गया हुआ, इसके अलावा आई थिंक राजमा बनाई हुई होंगी, है ना। दिखाइए, राजमा बन चुकी हैं, अब इस तड़का लगने को है। और ये खीर बन रही है और इसके बाद बल्कि बलि दी जाएगी, कुर्बानी दी जाएगी बकरे की। तो ये है वो रोट जो अब बनाया जाएगा। इसके अंदर इन्होंने काली मिर्च ऐड की हुई है, छुआरा ऐड किया जैसे सोंगी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वो डेट्स ऐड की हुई है, नारियल ऐड किया हुआ। अब इसका एक रोट बनेगा, रोटी बनेगी जिसको ये दूने में बनाएंगे। वो दूना क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। वो बाहर बना होता है, देसी घी मिक्स किया जाएगा। गुड़ आ गया हुआ है, इसको पिघला के लाया गया हुआ है, काला गुड़। अब इसको भी इसमें मिक्स किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ मेन अट्रैक्शन दिखा रहा हूँ उसकी, कि क्या क्या रिचुअल्स, क्या क्या इसमें बल्कि एक्टिविटीज़ रहती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं। ये घोड़ा है।
लो जी ये बन गया रोट, रोट तैयारी हो गई है। बनानी एक बनानी है, एक ही बनाना है ये। अच्छा दोनों को जोड़ के एक बना देना है। अब इन्हें मिक्स कर दिया गया, अब इन दो को अब एक बनाया जाएगा। देखिए इसमें इन्होंने एक होल किया हुआ है, अब होल के अंदर ये जो पैसे हैं ये डाल दिए जाएंगे इसके अंदर। तो बताना चाहूँगा जो पैसे हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे जब इनको आग में डाला जाएगा, ये बिल्कुल सेफ जैसे भी डाले गए हैं वैसे ही निकलेंगे बाहर ये। और ये जिन जिन्होंने इसमें जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो वापस किए जाएंगे एज अ क्या कहते हैं उसको, घर लेके अपने खजाने में, अपने खजाने में इसकी बरकत होती है। लो बंद हो गया लीव्स, अब इसे इसमें बंद किया जाएगा और जिनों से इसको बांध दिया जाएगा। लीजिए फ्रेंड्स रैपिंग हो गई, अब इसे मंदिर में प्लेस किया जाएगा। अब ये कब तक रहेगा? पंद्रह बीस मिनट। अब इसकी पूजा हो गया धूनी पे। ओके तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको धूनी दिखाऊंगा, धूनी कैसे कहते हैं। ये रही वो धूनी, ये रही वो धूनी। इसमें इस आग में इसको डाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, इस आग में जो शख्स इसे निकालेंगे वो किसी भी चीज़ को यूज़ करके इसको बाहर ही निकालेंगे, अपने बेयर हैंड से उस रोटी को वो बाहर निकालेंगे। तो उस टाइम पे कुछ चौकी प्रक्रिया भी होती है, चौकी भी आती है जो इसको जो इस रिचुअल को निभाएंगे उस टाइम पर। जी हैं जो बताएंगे आप। हम नाथ जी, हम नाथ जी हैं। नाथ जी हैं ये? हाँ जी। बताइए इनके बारे में कुछ। हम देवी देवताओं की अमर कथा जो है सभी जानते हैं, इसलिए कि जे दूना लगाया ये गौ के गोबर का होता है, इसमें बाबा जी का रोट पकाते हैं। ये रोट है ये सभी संगत को बांटा जाता है। तो ऐसा मतलब कि इसमें क्या, मतलब कि इसमें क्या मान्यता है, इस रोड की क्या मान्यता है कालीवीर जी के इस रिचुअल से? ये बात सिद्ध गौरिया की होती है, कालीवीर का नहीं है, सिद्ध गौरिया जी का। हाँ ये बात सिद्ध गौरिया का धुना होता है। अच्छा। जैसे साधु लोग धुना लगा कर बैठते हैं उसको तपते हैं, इसमें बहुत शक्ति होती है, अच्छी चीज़ है। ये मेरे गुरु महाराज जी आए हैं। तो दोस्तों बकरे की बलि की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि क्योंकि एज़ पर द टर्म्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द यूट्यूब। बस केवल मैं आपको ये दिखा दूंगा कि बलि हो चुकी है, अब इनके पीसेस वगैरह करके अब इसको बनाया जाएगा। और जो वेजिटेरियन होंगे वो वेजिटेरियन खाएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन वो नॉन वेजिटेरियन खाएंगे। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है इनकी। प्रसाद है ये, देवता का प्रसाद है। यहाँ पर राइस बन रहा है, राइस बन चुका है। ये हैं वो शेफ जो मीट भी बनाएंगे, लास्ट ईयर भी आपने बनाया था ना, है ना, बड़ा शानदार बनाया था। यही वो शेफ है जिनकी मैं बात कर रहा था, बड़ा शानदार बनाया था, लेकिन तब मैं इनको देख नहीं पाया था कि कैसे इन्होंने बनाया था। आज मैं पूरा दिखाऊंगा कि क्या कैसे बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये चीरू कहते हैं इसे, तो इसे भी कुक किया जाएगा, बट ये हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए, सबके लिए ये। तो जो कौओं को देते हैं फिर अच्छा उसी में से ही, अच्छा उसी में से कौओं को खिलाएंगे। जब तक कौआ कोई खाएगा नहीं तब तक लंगर स्टार्ट नहीं, भंडारा स्टार्ट नहीं होगा। जब कौआ इसको ग्रहण करेगा उसके बाद ही लंगर और भंडारा अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कौवे आना स्टार्ट हो चुके हैं, इन्हें सब मालूम है कि आज प्रसाद मिलने वाला है। भैया दोस्तों वो जो मैं अपलोड रैप हुआ था वो आ गया, अब इसको जो धूनी है इसमें डाला जाएगा। चिरवा बन रहा है, चुरवा इसका रंग भी देखिए चेंज हो चुका है। और लगे हाथ यहाँ से अब दूसरी पट्टी लग गई है मीट बनाने के लिए।
ये प्याज काटा गया हुआ है। लीजिए दोस्तों, अब मीट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। पहले पूरा तेल डाला गया, अब भरपूर प्याज डाले जाएंगे इसके अंदर। पतीला क्या कर रहे हैं? सारा मीट ऐड हो चुका हुआ है, अब देखते हैं क्या क्या मसाले पड़ते हैं इसके अंदर। ये तेज पत्ता ऐड किया जा रहा है। ये रहा लहसुन, पापा पापा। ये रहा अदरक, थोड़ी हल्दी डाली गई है। ये मर्च, सिंपल रेसिपी है एकदम। ये मर्च डाली गई है, नमक, ये मेथी है, ये मेथी, ये जी बड़ा दोबारा तेज पत्ता, ये बड़ा जी मोटी इलायची। देख रहे हैं दोस्तों क्या क्या मसाले पड़ रहे हैं इसके अंदर। दोबारा से कस्तूरी मेथी। कितना मीट है ये? 32 किलो। 32 किलो मीट है ये। ये बड़ा जी गरम मसाला, अभी सारा नहीं पड़ेगा, ये लास्ट में, जब लास्ट में गरम मसाला पड़ेगा जब तक ये थोड़ा पक जाएगा। तो लो जी मीट ऑलमोस्ट बन चुका है दोस्तों। ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी की है इन्होंने। दोस्तों ये अब रोट को निकालने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है जम्मू से, जैसे मैंने बताया था आपको। इसमें चौकी वगैरह भी रहेगी, चौकी जैसे उगवाई है अभी। तो दोस्तों ये है वो गुरुदेव जी जो एकदम गर्म रोट को निकाल के यहाँ से निकल जाए। देखिए दोस्तों ये वो रोट है जो धूनी में पकाया गया था, अब इसे खोला जा रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, मैं इसी का वेट कर रहा था। एक पैसे बिल्कुल एकदम सब रस्में पूरी हो चुकी हुई हैं, जितने भी रिचुअल्स है वो पूरे हो गए। अब लंगर स्टार्ट होने वाला है, अब प्रसाद दिया जाएगा लोगों को।
अब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों इस तरह के लंगर में मुझे बड़ा मज़ा आता है, मतलब कि एक तरह का ये भी गेट टुगेदर होता है जब सब लोग मिलके खाना खाते हैं। आई होप कि आपको भी पसंद होगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसी तरह की वीडियोस कुछ और दिखाऊं, कुछ ट्राइबल्स वगैरह के भी जो किस तरह से वो लोग खाते पीते हैं पहाड़ों पे, प्लेन्स पे। ये मेरा मोटिव है इस चैनल का। प्लेट आप इसमें परोसा जाएगा चावल, फिलहाल मेरी बारी तो नहीं आ रही है। थोड़े थोड़े से बस 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 बस। लो जी आगे राइस, ये आगे जी राजमा, बस बस ये राजमा है। लो दोस्तों ये आ गया खास जिसका मैं वेट कर रहा था, ये हो गया मीट। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है खास में। तो ये दोस्तों आ गई अंबल, थोड़ी डालना थोड़ी सी, इधर डालते इधर अंबल। बताना चाहता हूँ दोस्तों ये अंबल जो मैंने बताया जैसे कि जम्मू का ट्रेडिशनल वो सब्ज़ी है, ये थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, ये बनती है कद्दू की जिसे हम सीताफल भी कहते हैं, काशीफल भी कहते हैं। अब देखते हैं मीट का टेस्ट कैसा है जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रहा था। बहुत टेस्टी यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी। लंगर में ये प्रॉब्लम होती है कि आपका सब कुछ मिक्स हो जाता है, चाहे वो राजमा मिक्स हो गई है मीट में। थोड़ा तो सा ड्राई में देखते हैं राजमा का टेस्ट कैसा है। राहुल राजमा थोड़ी कच्ची है और नमक थोड़ा कम है, बट मीट अंबल दे देंगे, अंबल कैसी है। अंबल बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया खाने का। तो दोस्तों मैं आज ज़्यादा कुछ लास्ट में कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरा कैमरामैन मेरे साथ में नहीं है, टूटे हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे। तो चलिए मैं खाना खा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अच्छी लोकेशन पे, किसी और नई अच्छे खाने के साथ। टिल देन बाय बाय।